हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से स्पीच भी हो सकती है वुमेन्स डे पे, और अगर आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसे आता है वुमेन एम्पावरमेंट में लिखने के लिए, तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पर्पज से है। तो अभी वुमेन्स डे क्योंकि आने वाला है, कब है, तो ये 8 मार्च को है, ठीक है। तो हो सकता है ये करंट अभी है टॉपिक, तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन मतलब कि ऐसे वगैरह में इसको जो है ना टॉपिक को चूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए चलिए देखते हैं हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, हम लोग कैसे ऐसे या फिर स्पीच लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है कि वुमन एम्पावरमेंट, इसका मतलब होता है नारी का सशक्तिकरण, ठीक है। तो नारी का सशक्तिकरण, देखिए जब भी हम लोग पैसेज या फिर कोई भी चीज़ को लिखते हैं, पैसेज टाइप या फिर ऐसे को, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ उसके लिए तरीका होता है कि पहले आप जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं पहले उस चीज़ को समझाना होता है कि वो क्या चीज़ है, फिर उससे रिलेटेड फिर उसको कैसे हम लोग जो है ना मतलब कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है। और जब भी आप ऐसे वगैरह लिखें तो हमेशा मतलब पैराग्राफ यूज़ ज़रूर करें, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो इन सब बातों को आप फॉलो करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कि वुमन्स एम्पावरमेंट कैन बी डिफाइंड टू प्रमोटिंग वुमन सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, देयर एबिलिटी टू डिटरमाइन देयर ओन चॉइसेस एंड देयर राइट टू इन्फ्लुएंस सोशल चेंज फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स। तो इसका हिंदी भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि महिला सशक्तिकरण को महिलाओं के आत्ममूल्यांकन की भावना को बढ़ावा देने, अपने स्वयं के विकल्पों को निर्धारित करने की उनकी क्षमता और स्वयं दूसरों के लिए सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने के उनके अधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड हम देखते हैं कि इट इज़ आल्सो क्लोजली अलाइंड विथ फीमेल एम्पावरमेंट, अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट दैट्स आल्सो की टू अचीविंग अ मोर पीसफुल प्रॉस्पेरस वर्ल्ड, ठीक है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि यह महिला सशक्तिकरण के साथ एक मौलिक मानव अधिकार के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जो एक अधिक शांतिपूर्ण समृद्ध विश्व प्राप्त करने के लिए भी जारी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लाइन कि एम्पावरिंग वुमन इज इसेंशियल टू द हेल्थ एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ फैमिलीज कम्युनिटीज एंड कंट्रीज, ठीक है। कि महिलाओं का जो सशक्तिकरण है वो फैमिलीज यानी कि परिवार, कम्युनिटीज यानी कि समुदाय, कंट्रीज यानी कि देश के स्वास्थ्य और सोशल डेवलपमेंट मतलब कि सामाजिक विकास के लिए काफ़ी आवश्यक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वुमन एम्पावरमेंट एंड प्रमोटिंग वुमन्स राइट हैव इमर्ज्ड एज अ पार्ट ऑफ अ मेजर ग्लोबल मूवमेंट एंड इज कंटिन्यूइंग टू ब्रेक न्यू ग्राउंड इन रिसेंट ईयर्स। तो महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकारों को बढ़ावा देना प्रमुख वैश्विक आंदोलन के एक भाग के रूप में उभरा है, बट Despite a great deal of progress, women and girls continue to face discrimination and violence in every part of the world. ठीक है, तो लेकिन बहुत प्रगति के बावजूद दुनिया के हर हिस्से में महिलाओं और लड़कियों को भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या स्टेप ले सकते हैं और किस तरह से इसमें हम लोग सुधार ला सकते हैं, तो अब यहाँ पे हमने वो तरीका यहाँ पे बताया हुआ है कि अ की पार्ट ऑफ हर एम्पावरमेंट इज थ्रू एजुकेशन। उनका जो महिलाओं को सशक्तिकरण का सबसे जो मुख्य बिंदु हो सकता है वो है उनको शिक्षा के माध्यम से हम लोग जो है उनको सशक्त कर सकते हैं, ठीक है। यानी शिक्षा को बढ़ावा देकर ना महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देकर के हम लोग जो है इसको सशक्त कर सकते हैं, महिला सशक्तिकरण ला सकते हैं, ठीक है। उसका सेकेंड है हमारा कि डेज लाइक इंटरनेशनल वुमन्स डे जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है आर ऑल्सो गेनिंग मोमेंटम, ठीक है। और इस तरह के दिवस जैसे कि महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, किस लिए, तो यही महिला जो सशक्तिकरण है उनका उसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए जो महिला दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से भी हम लोग ये सब कुछ स्टेप्स है जिसको लेकर के हम लोग महिला दिवस महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पूरा हो गया। अब लास्ट में जो है हमें एक अच्छा सा कोट भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इससे आपका थोड़ा ऐसे जो है उसमें थोड़ा और मतलब कि निखार आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक कोट यूज़ किया है कि देखिए, बी अ स्ट्रांग वुमन,
कि आप एक स्ट्रांग वूमन बनो, एक सशक्त महिला बनो। किस लिए? सो योर डॉटर विल हैव अ रोल मॉडल, ठीक है, ताकि अगर कल आपकी बेटी होती है तो उसको आप एक रोल मॉडल की तरह मिलो, ठीक है, कि आपको वो देख करके सोचे कि मुझे अपनी माँ की तरह बनना है, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ काम पहले आपको करना होगा, तभी वो आप उसके लिए रोल मॉडल बनोगे, ठीक है ना। एंड योर सन ऑल्सो विल नो वॉट टू लुक फॉर इन अ वूमन वैन ही इज़ अ मैन। और यदि आपका इन फ्यूचर बेटा होता है तो वो जो भविष्य में जब वो बड़ा हो जाएगा, जब एक वयस्क बन जाएगा, तो वो औरतों को किस दृष्टि से देखेगा, वो ये सीखेगा, वो आपको देख करके ही वो सीखेगा, ठीक है। उसके मन में जो औरतों के प्रति जो भावनाएं होंगी वो आपको देख करके ही आएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर औरतों का सशक्त होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थे, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक के लिए भी बच जाइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहे और जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।